दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के लिए यमराज बनते हुए किंग कोहली ने न केवल अपने बल्ले से तहलका मचाया बल्कि इतिहास से रचते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी। टीम इंडिया की अकेले दम पर जीत की नींव बिछाकर रख दी तो उनकी अद्भुत बैटिंग की मुराद तो अनुष्का शर्मा भी हो गई। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और अब अपने पति की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने जो कहा उनका बयान सुनकर तो सच में आप भी विरुष्का की जोड़ी के दीवाने हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ रहा विराट की अद्भुत बल्लेबाजी पर अनुष्का का रिएक्शन, उनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित गिल और विराट में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वनखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई ही, साथ ही कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल ने 79 रन बनाकर रिटायर्ड होना पड़ा। लेकिन इसके बाद इसके बड़े मंच पर किंग कोहली ने एक बार फिर से सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर खड़ी कर दी और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभल कर भारतीय बारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाया। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं। बल्ला तो वो अभी भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले का, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो बनकर उभरे और तूफानी शतक ठोककर उन्होंने न्यूजीलैंड की पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। जहां विराट की अद्भुत बल्लेबाजी का खौफ तो अब न्यूजीलैंड में देखा ही जा सकता है तो वहीं पूरी दुनिया विराट की दीवानी हो चली है। इसी बीच अब उनकी पत्नी अनुष्का का शानदार रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, विराट की बैटिंग देखकर तो अनुष्का की खुशी का ठिकाने नहीं था, वो तो खुशी से उछली पड़ी थी। स्टेडियम में उन्होंने जोरदार जश्न मनाया ही, लेकिन अब विराट की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कह दिया कि टीम इंडिया की शान विराट कोहली को मेरा सलाम है। कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, सामने कोई भी टीम हो, हर एक भारतीय चैन की सांस लेता है क्योंकि विराट कोहली मैदान में चैंपियन की तरह डटे होते हैं। वेल प्लेड किंग, आपको ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है, आपने इसे कमाया है और आज एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर क्यों आपको किंग कोहली कहा जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने आज न केवल 2019 सेमीफाइनल का बदला लिया है बल्कि अब इतिहास रचने के एक कदम और करीब हमारे देश में पहुंचा दिया। 140 करोड़ भारतीयों का आपको नमन है। बस यही कहना चाहूंगी, आई लव यू सो मच, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं। तो दोस्तों सच में अनुष्का ने तो अपने बयान से हद किसी का दिल को जीत लिया है। दोस्तों खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल के साथ बीच मैदान में हुआ दर्दनाक हादसा। दर्द से कराहते हुए जब गिल को स्टेडियम से बाहर ले जाया गया तब उनकी खराब हालत देखकर तो सारा तेंदुलकर की आंखों में आंसू ही आ गए थे, यहाँ तक कि पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया था। तो आखिर क्यों बीच मैदान में मरते मरते बचे गिल? ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसे देखकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी? उस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, रोहित और विराट में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर तांडव मचाकर न्यूजीलैंड की धजिया उड़ाते हुए पहले रोहित ने कहर बरपाया तो गिल और कोहली ने मिलकर न्यूजीलैंड की शामत हिला दी। उन्होंने भारतीय टीम को 20 ओवरों में ही 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी होने वाली थी लेकिन तभी गिल के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसने करोड़ों भारतीयों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। जी हां दोस्तों, दरअसल ये वाकया है पारी के 23वें ओवर का। गेंदबाजी कर रहे थे मिचेल सेंटनर, उसी दरमियान चौथी गेंद खेलते ही शुभमन गिल दर्द से करा उठते हैं। उनसे चला नहीं जा रहा था और अपने पैरों से उछलते हुए वो वहीं पर लेट जाते हैं। उनके साथ अचानक जो हुआ वो देखकर तो हर कोई हैरान और परेशान था, यहाँ तक कि आनंद फानन में दौड़कर फिजियो और भारतीय खिलाड़ी गिल के पास पहुँच जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। वो काफी अधिक दर्द में लग रहे थे, यहाँ तक कि उनके आंखों से आंसू तक आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। ये नजारा देखकर तो पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। हालांकि सभी लोगों को लगा था कि वो बहुत जल्द उठ खड़े होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके पैरों में बहुत जबरदस्त क्रैम्प आ गया था जिस कारण वो खड़े होने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अंत में कप्तान रोहित ने उन्हें स्टेडियम के बाहर लाने का ही इशारा कर दिया और गिल को दर्द में उठाकर उन्हें सहारा देते हुए मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। जिनकी ये हालत देखकर तो हर कोई हैरान और परेशान था, यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर की आंखों में तो आंसू तक आ गए थे। वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि इतनी लाजवाब फॉर्म में चल रहे गिल को 89 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर वापस जाना पड़ा। दोस्तों इस लम्हे ने तो सच में हर किसी का दिल तोड़ दिया, तो वहीं पूरी दुनिया गिल की सलामती की दुआ करने लगा। दोस्तों रोहित की पिटाई से परेशान होकर जब बीच मैदान में ही गुस्से से आग बबूला ट्रेंट बोल्ट उनसे ही उलझ पड़े तब दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार बदतमीजी की सभी हदें पार करते हुए ऐसा क्या क्या बोल्ट ने रोहित के साथ
जिसके बाद उन्हें रोहित भी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में दहशत भर दी। उनके बीच हुए भयंकर विवाद के बाद रोहित के जबरदस्त रिप्लाई का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सेमीफाइनल की जंग में रोहित का बल्ला गरज रहा था। वानखेड़े के मैदान पर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने फैंस का खूब मनोरंजन किया और भारत की जीत की मजबूत नींव बिछा दी। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए वह बहुत तेजी से अपने अर्धशतक के पार थे, लेकिन तभी उनकी तूफानी बल्लेबाजी से परेशान होकर कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद क्रिकेट का मैदान भी विवादों का अखाड़ा बन गया। दरअसल पारी का सातवां ओवर लेकर आए बोल्ट को अचानक रोहित ने गेंद डालने से रोक दिया। दरअसल सामने कुछ आ गया जिस कारण वह तैयार नहीं थे, लेकिन रोहित का इस तरीके से उन्हें रोकना बोल्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह तो दौड़ते हुए रोहित के पास पहुंच गए और उन्हें कुछ अपशब्द कह दिया। बस फिर क्या था, रोहित को भी पारा चढ़ गया और दोनों बीच मैदान में बहस करने लगे। ऐसा लगा कि उनके बीच यह विवाद बहुत आगे बढ़ जाएगा क्योंकि माहौल बहुत गर्म था। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया और यहाँ तक कि रितिका से लेकर सचिन तेंदुलकर के भी होश उड़ गए क्योंकि दोनों के बीच हाथापाई का माहौल तक बनने लगा। हालांकि बोल्ट वहां से चले गए, रोहित भी चुपचाप बल्लेबाजी करने लग गए, लेकिन रोहित अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर जब दोबारा गेंदबाजी करने बोल्ट आते हैं तो रोहित ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और अगली गेंद पर एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिस पर न्यूजीलैंड की तबाही लिखी हुई थी। उनका वह गगनचुंबी छक्का देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और ट्रेंट बोल्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इतना जबरदस्त छक्का कैसे लगा सकता है। तो दोस्तों सच में रोहित शर्मा ने तो अपने बल्ले से तांडव ही मचा कर रख दिया। दोस्तों रोहित शर्मा ने वानखेड़े के मैदान में उतरते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करी, इस कदर बोल्ट को पीट कर रख दिया कि उनके चौके छक्के देखकर कोहली तो क्या बोल्ट तो क्या विलियमसन भी दंग रह गए थे। और उनके साथ मिलकर जूनियर रोहित शर्मा यानी कि शुभमन गिल ने भी कैसे अपनी धांसू पारी से रोहित और गिल ने फिर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ा कर रख दिए। बड़ा लक्ष्य पावर प्ले में ही बना दिया। इनकी खतरनाक बैटिंग चौके छक्कों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है, आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर उस टीम के साथ फिर से खड़ी हुई है जिसने कि 4 साल पहले हमें ऐसा जख्म दिया था जो आज तक नहीं भरा। धोनी का वो रन आउट आंखों के आगे से नहीं जाता और केवल वो ही नहीं, हम वर्ल्ड कप से हार गए थे। 4 साल की हार का बदला आज न्यूजीलैंड से लेने के लिए जैसे ही मैदान में उतरे तो रोहित की किस्मत का सिक्का उनके साथ चल पड़ा। वो टॉस जीते, उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों एक भूखे शेर की तरह दहाड़ते हुए आज रोहित ने चुन चुन करना न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों का शिकार किया। लिटरली पहले 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि कोई वनडे नहीं बल्कि T20 मुकाबला चल रहा है। रोहित को देखकर लगा कि वो आज अपने बल्ले से पूरी न्यूजीलैंड की टीम को अकेले धाराशाही कर देंगे। जिस बोल्ट के नाम से दोस्तों दुनिया थर थर कांपती है और खासतौर पर भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि यही वो खतरनाक खिलाड़ी है जिसने हमारे 3 विकेट बैक टू बैक 2019 में लिए थे और उसके बाद भी कई अजीबोगरीब परफॉर्मेंसेस दिए बढ़िया सी हमारी टीम के खिलाफ। लेकिन आ जाते ही रोहित ने इनके डर को खुशी में तब्दील कर दिया क्योंकि दोस्तों रोहित ने आते ही पहले ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर शानदार 2 बाउंड्री लगाई। इसके बाद शुभमन गिल ने अगले ओवर में सऊदी का शिकार किया 2 चौके जड़कर। तो वही दोस्तों रोहित का तो क्या ही कहना, 3रे ओवर की 3री गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर उन्होंने अब बयान कर दिया था वो क्या कुछ करने आए हैं। और दोस्तों जैसा कि रोहित कहते हैं कि पहले 5-6 ओवर में आउट कर लिया तो ठीक, वरना तो मैं अपनी मर्जी से आउट होऊंगा। और दोस्तों फिर तो रोहित ने बोल्ट को बख्शा ही नहीं, 4थे ओवर की 3री गेंद पर एक और खतरनाक सिक्स लगाया जो कि 100 मीटर से भी कम का था। इसके बाद दोस्तों सऊदी को बैक टू बैक चौके लगाए, सऊदी को 4थे ओवर में छक्का जड़ा और बोल्ट को तो रोहित ने आज बख्शा ही नहीं, 5वें ओवर की 2री गेंद पर फिर से दोस्तों रोहित शर्मा ने छक्का जड़कर 5 ओवर में हमारे स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 से पार था, 3 छक्के 4 चौके जड़कर वो 20 गेंदों में लगभग 40 से ज्यादा रन बना चुके थे।